नमस्कार, स्वागत है इंडिया समाचार में। विदिशा माधव राय सिंधिया जिला हॉस्पिटल के सामने लोगों ने कर रखा था अतिक्रमण, जिसके चलते नगर पालिका प्रशासन द्वारा दिन भर से अलाउंस करके चेतावनी दी जा रही थी, मगर लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था, जिसके चलते आज तहसीलदार सरोज अग्निवंशी और नगर पालिका प्रशासन द्वारा माधव राव सिंधिया जिला हॉस्पिटल के सामने का अतिक्रमण हटाया गया। और तहसील सरोज अग्निवंशी द्वारा बताया गया कि कई बार समझाइश देने के बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था, इसलिए आज यहां आकर खड़े हुए और लोगों ने अपने आप ही अतिक्रमण हटा लिया है और अपने अपने घर ले जा रहे हैं। सरोज अग्निवंशी, तहसीलदार विदिशा। विदिशा से जिला ब्यूरो चीफ तोरण सिंह सुल्कार की रिपोर्ट। इनको 4 दिन पहले से इनको हिदायत दी गई थी कि हटा लें, आज भी बोला गया और खड़े हो गए हम लोग आके, तो अपने आप हटा लिया इन लोगों ने, अपनी सारी अतिक्रमण हटा लिया है। कहाँ अतिक्रमण किया जा रहा था, कौन सी जगह? ये है शासकीय मेडिकल कॉलेज है ना अपना, जिला चिकित्सालय, इसके साइड में आने जाने वाले की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ के इनके ग्राहक भी बिल्कुल रोड घेर के खड़े हो जाते हैं, इसलिए इनका अतिक्रमण हटाने के लिए इनको बोला गया था। 3-4 दिन से अलाउंस कर रहे थे, आज हम आके खड़े हो गए तो इन लोगों ने अपने आप हटा लिया।